everyone, this is me Neetu and you are watching my vlog, Robineetu vlog. So अभी मैंने just cut की है अरबी, तो अरबी cut करते time बहुत से लोगों के हाथों में ना itching हो जाती है, तो उसके लिए आप तीन काम कीजिए. एक तो ये कि जब भी आप अरबी को cut करने लगे तो अपने हाथों पे oil लगा लीजिए, जिससे जो अरबी है उसकी जो छींटे वगैरह लगते हैं तो वो डायरेक्ट स्किन पर नहीं लगेंगे, तो इचिंग प्रॉब्लम कम रहेगी. और सेकंड ये कि जब भी आप अरबी को कट करें तो कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उसके अंदर उससे अरबी को पकड़ के और फिर छीले, इससे भी आपके हाथों में इचिंग नहीं होगी. और थर्ड है कि अगर इसके बावजूद भी अगर इचिंग हो जाती है तो आप जो है नाइसिल पाउडर आता है, उस नाइसिल पाउडर को अपने हाथों पर लगा लीजिए, इससे आपकी इचिंग की जो हो रही है अरबी से उससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा. तो ये तीन ट्रिक हैं जिसके द्वारा आप अरबी की, अगर अरबी से आपको इचिंग होती है तो आप छुटकारा पा सकते हैं. सो हो गई बहुत सारी बातें, अब मैं बना रही हूँ सुबह की चाय. एक्चुअली हर्षित और सारे बच्चे जो हैं वो पार्क गए हुए हैं अपने माँ बाप के साथ में, तो वो आएंगे तो फिर मैं उनको दूध वगैरह दूंगी. वहाँ पे दूध रखा है ऊपर नीचे भगोनी जिससे गर्म रहे, और अभी मैं बस बना रही हूँ चाय. तो चलिए चाय बना. सो चाय वगैरह हम लोगों ने बना के पी ली थी और बच्चों को दूध वगैरह भी दे दिया था. अब हम लोग कर रहे हैं लंच की तैयारी और मैं आटा लगा रही हूँ और मम्मी बनाएंगी आज सब्जी. तो मैंने अरबी की सब्जी काट के रखी है, तो कढ़ाई में तेल डाला है और जब तेल गर्म हो जाएगा तो अजवाइन और हींग डालेंगे. अच्छा, जिससे मैंने ये तेल डाला था ये मम्मी ने अभी, वो मैं जब वहाँ गए थे हम लोग विशाल मेगा मार्ट, सॉरी नेशनल हैंडलूम से लाई थी मैं, हाँ नेशनल हैंडलूम गए थे तब मैं वहाँ से लेकर आई थी. तो ये आज मैंने यूज़ में लिया है फर्स्ट टाइम. अरबी डालने के बाद में सारे जो रेगुलर मसाले होते हैं उन्हें ऐड कर देंगे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और फिर लास्ट में नमक ऐड करेंगे. नमक हमेशा आप लास्ट में डालिए क्योंकि इससे जो हल्दी का रंग है वो, अगर पहले डाल देते हैं नमक तो हल्दी का रंग चला जाता है, तो हमेशा नमक आप बाद में डालिए. और जब ये मसाला जो है भुन जाए तो उसके बाद में आप पानी डाल दीजिए. अब दूसरी गैस पर मिर्ची और करौंजे छोंक रहे हैं. मिर्ची और करौंजे एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी दिन तक रखी रह सकती है और काफ़ी दिन तक चल जाती है, मतलब अचार की जैसी एक सब्ज़ी होती है. तो पिछले वीडियो में मैंने जब बनाई थी तो आप लोगों ने पूछा था किस तरह से बनती है, तो इसके लिए बस तेल डालिए और उसके अंदर अजवाइन और हींग डाल करके और फिर बस आप छोंक दीजिए जैसे कि छोंकते हैं. तो सबसे पहले मिर्ची डाल दी है और छोंक के सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया और हल्की सी मिर्ची डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी मिर्ची डली हुई है, और करौंजी डाल देंगे. तो मिर्ची आप इतनी डालिए करौंजे के हिसाब से क्योंकि मिर्ची में तो है ही है मिर्ची, और नमक ऐड कर देंगे और बस मिक्स करके इसे ढक कर रख देंगे. तो मिर्ची और करौंजी की जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, मैं गैस को बस ऑफ कर दूंगी. बस अब मैं रोटियां सेक रही हूँ और मम्मी भोग की थाली लगा रही हैं और वो ले जाएंगी सब्जी को ठंडा करके. तो आज मंडे है और को हम लोगों का तो फास्ट है, पापा ने और भैया और उन्होंने बच्चों ने सबने खाना खा लिया है, और खाना खा कर
और खाना खा लेने के बाद में जब मैं फ्री हूँ, मैंने सब काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, तो अब मैं फ्रिज की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज को साफ़ किए हुए मुझे कम से कम 20-25 दिन हो चुके हैं। तो वैसे मैं रेगुलर बेसिस पे करती ही हूँ, लेकिन आज डीप क्लीनिंग करने का मूड है और टाइम भी सही है। इसके लिए सबसे पहले आप स्विच बोर्ड से स्विच को ऑफ़ कर दीजिए, ताकि आपको करंट वगैरह लगने का डर नहीं रहे। और आप हमेशा स्लीपर पहन करके फिर फ्रिज को साफ़ कीजिए। और मैंने फ्रिज को डिफ्रॉस्ट कर दिया है, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई है। और कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए कि आप पानी डाल करके, गर्म पानी डाल के बर्फ़ हटा रहे हैं या कुछ ना, आप डिफ्रॉस्ट होने दीजिए उसे। और बाकी फ्रिज में से सारे चीज़ हटा करके निकाल दीजिए, फ्रिज को एकदम खाली कर लीजिए, और उसके अंदर जो भी ये लगे हुए होते हैं उन सबको निकाल करके बस मैं अभी वॉश कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा हल्का सा गीला कर रही हूँ, ताकि जो मैल लगा हुआ है वो फूल जाए। तो पहले मैं इनको इसलिए धो रही हूँ ताकि जब तक मैं फ्रिज पहुँचूँगी तब तक ये निचोड़ जाएंगे, तो मैं आसानी से इजीली बस पोछ कर लगा लूँगी। सो फ्रिज के जितने भी पार्ट्स थे वो मेरे धुल चुके हैं। और अब मैं फ्रिज को साफ़ करने के लिए मैंने सर्फ़ का पानी लिया है, और एक कपड़े की हेल्प से मैं बस इसे पोंछती जाऊँगी। मैंने साबुन और जूना भी लिया है। अगर कहीं से कुछ ज़्यादा गंदा होगा और वो साफ़ नहीं होगा कपड़े से, तो मैं जूने का यूज़ करूँगी, वरना तो सर्फ़ के पानी से कपड़ा निचोड़ के साफ़ करने से ही साफ़ हो जाता है ईजीली। क्योंकि जो फ्रिज की बॉडी होती है ना, वो कुछ इसी टाइप की बनी होती है कि वो ईजीली साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रही हूँ, और मेरा फ्रिज ऐसे ही साफ़ होता जा रहा है। वैसे मैं डेली बेसिस पर करती ही रहती हूँ, लेकिन जो डोर में ये पार्ट्स लगे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं इन्हें मुझे पता नहीं, तो इन्हें साफ़ करने के लिए ना, इन्हें डेली तो नहीं हटाया जा सकता, तो इसलिए इन्हें 15-20 दिन में या 20-25 दिन में, जब भी मुझे इस बीच में टाइम मिलता है तब मैं साफ़ कर लेती हूँ। सो फ्रिज में मैं कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में सामान ज़्यादा, मतलब फ्रिज में सामान रखने के बाद में जो सामान यूज़ में लिया जाता है ना, वो इतना हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं होता है। यहाँ तक कि कहते हैं कि पानी भी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए, लेकिन पानी के बिना तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है। तो पानी है और सब्ज़ियाँ हैं और दूध वगैरह, यही चीज़ें रखते हैं कि दूध फट नहीं जाए इसलिए। और सब्ज़ियाँ भी हम इतनी लाते हैं कि बन जाए, क्योंकि हर शाम को मम्मी चली जाती है सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए, तो फ्रेश ही सब्ज़ी का यूज़ करते हैं। और दूध वगैरह रखते हैं, और बाकी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखते हैं कि फ्रिज भरा भरा रहे और ज़्यादा लोड ले। फ्रिज को एक बार सर्फ़ के पानी से साफ़ कर लेने के बाद में साफ़ पानी से भी मैं पोछूंगी। कपड़ा मैं धो के ले आई हूँ, और इसे भी मैं फिर साफ़ पानी से एक बार साफ़ कर लूँगी, ताकि जो सर्फ़ वगैरह है वो हट जाए और इसमें अच्छे से शाइन आ जाए। सो फ्रिज एकदम साफ़ हो चुका है, और अपनी मेहनत को इस तरह से देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
अब मैं इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको लगा रही हूँ, पोंछ पोंछ के लगाती जा रही हूँ। अगर हम किसी चीज़ की केयर करते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाती है। ये फ्रिज कम से कम हमारा 20-25 साल पुराना फ्रिज है और आप देख सकते हो कि अभी भी ये कितना न्यू लगता है। तो ये हमारे हाथों में कि हमें अपनी चीज़ का किस तरह से केयर करनी है। ये चार बॉटल्स हैं जो बच्चों की हैं, एक बॉटल शायद इधर उधर कहीं रखी होगी, तो बच्चे अपनी बॉटल्स में से पानी पीते हैं क्योंकि वरना तो ये सारी बॉटल्स को ही ना झूठा कर देते हैं। सो फ्रीज मेरा साफ़ हो गया है। फ्रीज़र में थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई है अभी भी, तो मैंने उसको बर्फ़ गल जाए इसके लिए मैंने डीफ्रॉस्ट करके रख छोड़ दिया है। तो जब वो डीफ्रॉस्ट हो जाएगा ना उसके बाद में मैं उसकी क्लीनिंग करूँगी। उसकी ट्रे भी मैंने धोई नहीं है क्योंकि फिर डीफ्रॉस्ट कर देते तो पानी टपकता है ना, और वैसे ही पता नहीं क्यों ना ट्रे का जो जिससे पानी इधर की साइड आता है ना वो ही ना ख़राब हो गया है, तो पानी वैसे ही नीचे टपकता रहता है, तो मुझे कटोरी लगानी पड़ती है। और आज मंडे है तो मम्मी और मेरा तो फास्ट है, तो हम लोगों ने खाना देर से खाएंगे और बाकी सब ने खाना खा लिया है। पापा ने, भैया औरों ने, बच्चों ने, सब ने खाना खा लिया है। और अब बस मैं थोड़ी सी देर रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ और थोड़ी देर से फिर अभी मैं लस्सी बनाऊँगी, मम्मी और मैं पी लेंगे, फिर उसके बाद में मैं खाना बनाऊँगी मम्मी के लिए, मेरे लिए फास्ट का। और बस इस और शाम में हाँ आज मेरी फ्रेंड के जो बेटा है उसके फ्रेंड के जो मेरा बेटा है मेरी फ्रेंड के जो बेटा है उसका आज बर्थडे भी है, तो मे बी मैं उधर जाऊँ। तो फास्ट है तो कोई कुछ मिठाई खिलाएगा वो भी नहीं खा सकते कि आजकल मिठाइयों में भी इतनी मिलावट आती है, मैदा वैदा डाल के बना डालते हैं। तो मैं मना ही कर रही थी कि मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन उसने इतनी जिद करी कि अटेंडेंस देने तो आ ही सकती है। तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, देखती हूँ। अगर भैया लेकर चले जाएंगे तो चली जाऊँगी, वरना तो जयराम जी की। तो अरे वो मेरा वीडियो देख रही होगी तो मेरे को आ रही तो ठीक है, बस मे भी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करूँ क्योंकि अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखेगा तो मैं करूँगी। क्योंकि मैं अगर मैं जाऊँगी वहाँ के लिए, मैं अगर रेडी भी होंगी तो मुझसे कुछ ऐसा मेकअप वेकअप मैं करूँगी नहीं, क्योंकि इन दिनों मैंने मेकअप तो बिल्कुल बंद कर रखा है। मैं अपने फेस पर कोई क्रीम भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे फेस पर ना बहुत सारे दाने निकल आए थे, बहुत सारे, जिसे ना मोलस्कम कहते हैं। अगर आप ना गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मोलस्कम कितनी डेंजरस बीमारी होती है और एक लड़की के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसको अपने फेस से इतना प्यार होता है और फिर तो फिर ना बस मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया था कि कैसे भी मेरे जो मोलस्कम है वो ठीक हो जाए। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर ने, हम लोग है ना इतनी जगह गए डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट कराया, इतना पानी की जैसे पैसा ना बहाया। फिर मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी पापा ने इतनी जगह मतलब कि दिखाया डॉक्टर वगैरह को। फिर लास्ट में फाइनली ना पापा ने बोला कि ये चीज़ें ना ऐसे नहीं जाने वाली है कि ना दवाइयों से नहीं जाएगी, तो वहाँ चलते हैं कल्याण धनी के, कल्याण धनी है यहाँ पर ही जयपुर में, तो उधर उनका चरणामृत ना मतलब बहुत वो गरीबों के देवता है, मतलब कि गरीबों के मतलब कि जैसे किसी के कोढ़ हो गया है, सफ़ेद दाग हो गए हैं, तो जो गरीब होते हैं वो डॉक्टर के जाकर के इतना इलाज नहीं करा पाते हैं ना, तो मतलब कि जो उनकी स्टोरी है ना मुझे अच्छे से याद नहीं है, अच्छे से याद किया मैंने कभी पढ़ी नहीं है, सही बताऊँ ना तो जब मुझे इसके बारे में पता चला था ना तो मुझे पहले विश्वास ही नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरा नहीं होगा सही, मैं कभी सही नहीं होंगी, अब मैं ऐसे ही रहूँगी क्योंकि डॉक्टर्स से सही नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर रही कुछ भी। तो पापा मुझे वहाँ पर लेकर गए, वहाँ से हम जल लेकर आए और मैंने बस वहाँ पर इतना सा बोला था कि अगर मेरे सही हो गए तो मैं दोबारा से दर्शन के लिए आऊँगी, वरना मैं क्यों आऊँगी। तो ऐसे कह करके मैं वहाँ से चली आई थी और पानी ले आई थी मैं फेस पर लगाने के लिए, तो एक बोतल पानी लेकर आए थे हम लोग, तो
मैंने बोला था कि अगर आधी बोतल से पहले पहले अगर मेरा सही हो गया ना तो मैं समझ लूँगी कि ना इस पानी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो आप यकीन कीजिएगा कि मेरी आधी बोतल अभी भी कम नहीं हुई, जबकि मेरे सही हो गए हैं और फिर भी मेरी आधी बोतल भी नहीं हुई है। तो अब मेरे फेस पे एक भी दाना नहीं है, मतलब कि एक दिख रहा है मुझे, यहाँ पर दिख रहा है बस। तो वो भी ना वो वाला दाना नहीं है, ये तो ऐसे गर्मी से निकल आया है। तो बस ये कल्याण धनी जी की कृपा है कि आज मुझे फिर से अपने फेस को ऐसे एकदम, और डॉक्टर्स ने क्रीम वगैरह ब्लीच फेशियल जो कुछ भी होता है ना थ्रेडिंग तक बनाने के लिए, मुझे एक साल हो गया है कि मैंने थ्रेडिंग तक नहीं बनवाई है, एक साल से भी ऊपर हो गया है कि मैंने थ्रेडिंग बनवाई नहीं है, और अब मेरा मन भी नहीं करता कि मैं थ्रेडिंग बनवाऊँ। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं थ्रेडिंग बनवा के रखूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, और अब मैं सही है अब ऐसे ही। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सजेशन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हो, और वैसे भी जो आप लोग मुझे सजेशंस देते हो ना मुझे इतने अच्छे लगते हैं, आपके कमेंट पढ़ना और उस पर अप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान जी वाले वीडियो पर मैं कैसे पूजा करती हूँ, मुझे इतने सारे लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सिखाई कि ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब मेरी हर कोई चाहता है कि हमारे काम में और ज़्यादा वो आए, क्या बोलते हैं, और ज़्यादा अच्छा हम काम करें, हर कोई चाहता है। और आप लोगों के थ्रू अगर मेरा काम और भी, मेरी पूजा में अगर मैं अच्छी और अच्छी पूजा कर सकती हूँ तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। तो बस अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, वरना तो बातें ऐसे कंटिन्यूसली चलती ही रहेंगी, बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय माता दी।